नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री के पार्ट 5 की वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आधुनिक भारत के बारे में पूरी जानकारी देखेंगे, जो कि 1707 से 1857 के बीच के कार्यकाल में है। और दोस्तों, ये RRB NTPC RRC ग्रुप डी और SSC 10+2 CISF हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल और UP पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। और यदि आपको भाग 1, 2, 3 ये 4, 5 देखना हो तो आप हमारे चैनल सेल्फ स्टडी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ आपको और भी टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है आधुनिक भारत, 1707 से 1857 के बीच का कार्यकाल है। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मुअज्जम जिसका नाम बहादुर शाह था और दूसरा था आजम और कामबख्श, ये तीनों औरंगजेब के पुत्र थे, ठीक है। तो देखते हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह का कार्यकाल 1707 से 1712 तक का था। बहादुर शाह ने अपने दोनों भाइयों आजम तथा कामबख्श को मार दिया जजाऊ के युद्ध में, और 1707 में मुगल बादशाह बना बहादुर शाह प्रथम के नाम से। यह 65 वर्ष की आयु में मुगल बादशाह बना। इसने मेल मिलाप की नीति अपनाई, ये भी ध्यान रखना है। 1711 में इसने शिवाजी के पोते साहू को आज़ाद किया, इसी कारण इसे लोगों ने साहेब बाबर के नाम से पुकारा, और 1712 में इसकी मृत्यु हो गई। आगे आपका आता है जहादार शाह। जहादार शाह का कार्यकाल है 1712 से 1713 के बीच। जहादार ने मिर्जे की उपाधि सवाई जयसिंह को दी, ये ध्यान रखना है। जहादार ने महाराजे की उपाधि अजीत सिंह को दी, और जहादार की जो प्रेमिका थी वो थी लाल कुंवर, और दिल्ली की जनता ने जहादार शाह को लंपट मूर्ख कहा। ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है। आगे देखते हैं। जहादार शाह के प्रमुख जो मंत्री थे वो थे सैयद बरदर्स। दोस्तों, सैयद बरदर्स अब्दुल खान और हुसैन अली खान, इन दोनों को सैयद बरदर्स कहा जाता था। इसके बाद आ जाता है फरूखसियर, जिसका कार्यकाल 1713 से 1719 के बीच का है। फरूखसियर ने अपने भाई जहादार शाह की हत्या सैयद बरदर्स की मदद से की और अगला शासक बन गया। इसने अब्दुल्ला खान को अपने वजीर महामंत्री बना लिया। इसने हुसैन अली को मीरबख्श सेनापति बना लिया। 1717 में फरूखसियर ने अंग्रेज़ों के लिए स्वर्णिम फरमान जारी किया। स्वर्णिम फरमान में अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई। 1715 में फरूखसियर ने सिखों के नेता बन्ना बहादुर की हत्या कर दी। आगे देखते हैं। में सैयद बंधुआ ने फरूखसियर की हत्या कर दी और रफ़ी उद दौला को नया शासक बनाया, जो शाहजहां द्वितीय के नाम से जाना गया। 1719 में सैयद बंधुआ ने रफ़ी उद दरजात को शासक बना दिया। इसके बाद आता है मोहम्मद शाह। 1719 से 1748 का इसका कार्यकाल है। यह फरूखसियर का पुत्र था। हमारे इतिहास में सैयद बंधुओं को किस नाम से जाना जाता है? किंग मेकर। मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क की मदद से सैयद बंधुओं की हत्या करा दी और इसे अपने वजीर बना लिया। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, रंगीला बादशाह किसे कहते हैं। इसके बाद आता है 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। इस आक्रमण के समय यह ईरान का शासक था और इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ, आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच, जिसमें नादिर शाह जीत गया। नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा, जिसमें लाल किले से तख्ते ताउस भी लूट लिया, जिस पर कोहिनूर लगा था। आगे देखते हैं। इसे कोहिनूर नादिर शाह ने ही कहा है, ये भी ध्यान रखना है। तख्ते ताउस पर बैठने वाला जो अंतिम शासक था वो था मोहम्मद शाह। 1747 में नादिर शाह की मृत्यु ईरान में हुई। नादिर शाह का सेनापति अहमद शाह अब्दाली ईरान का शासक बना।
फिर आता है अहमद शाह का कार्यकाल 1748 से 1754 के बीच। यह है मोहम्मद का पुत्र था। 1748 में ईरान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने अपना पहला आक्रमण मुगलों के विरुद्ध किया। इसके बाद 1748 में पंजाब का युद्ध हुआ जो अहमद शाह के युद्ध से प्रसिद्ध हुआ। फिर आगे आता है आलमगीर द्वितीय, इसका कार्यकाल है 1754 से 1759। इसी के समय में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। फिर आता है शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 के बीच, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ इसी के कार्यकाल में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। फिर बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, ये युद्ध भी आप ध्यान रखिएगा कौन से सन में हुए, ये भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज़ों की ओर से हेक्टन मुनरो और शाह आलम द्वितीय मीर कासिम सिराजुद्दौला के बीच किया गया। 1803 में अंग्रेज़ों का दिल्ली पर भी अधिकार हो गया और उन्होंने मुगलों को पेंशनर बना लिया। अंग्रेज़ों का जो पहला पेंशनर था ये शाह आलम द्वितीय था। आगे आ जाता है अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय का कार्यकाल 1806 से 1837, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला मुगल बादशाह था। राजा राम मोहन राय को राजे की उपाधि अकबर द्वितीय नहीं दी थी, ये आपको नोट कर लेना है। फिर आता है बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 के बीच का कार्यकाल, भारत का अंतिम मुगल बादशाह था ये। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं, यह जफर नाम से शायरी करता था। पहला स्वतंत्रता संग्राम में इसके नेता बहादुर शाह द्वितीय थे। 12 मई 1857 में अंग्रेज़ों के दो लेफ्टिनेंट निकोलस और हुडसन, इन दोनों ने बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून बर्मा में 1865 में हुई और इसी के साथ मुगलों का अंत हो गया। 1858 में क्वीन ऑफ विक्टोरिया का पत्र आया जिससे अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन की शुरुआत की। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। बाकी हमारे चैनल सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपको इसी तरह की नई वीडियो या कोई भी नई जानकारी तुरंत उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।